हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट दूंगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है और इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली कर लोगे एंड क्विकली भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या। तो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डिफाइन कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, कितना मोल्स रिएक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियली मोल्स टेकन, उस रिएक्टेंट का कितना इनिशियल मोल्स आपने लिया था, तो ये डिफाइन होता है। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर लो ये हमारी रिएक्शन है, राइट, और ए का मोल्स आपको गिवेन है, ए है इनिशियल, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे हमें लिखने आता है, राइट, बता रखा हूँ। हमने माना कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में जा रही है तो क्या होगा, इसके कुछ अमाउंट रिएक्ट होंगे, तो मान लिया एक्स मोल रिएक्ट हुआ तो 1-1 कोफिशियंट है, तो इसका एक्स फॉर्म होगा और इसका भी एक्स फॉर्म होगा। तो ये जो ए माइनस एक्स हमने लिखा, इसमें एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, और ए क्या आपका, ये वाला ए लो या ये वाला ए, ये क्या है, इनिशियल मोल टेकन। इसलिए हमने क्या लिखा, अल्फा इज इक्वल टू मोल्स रिएक्टेड इज एक्स, जो सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस करते हो वही मोल्स रिएक्टेड है, डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल टेकन ए। तो अल्फा क्या हो गया, एक्स बाई ए, तो यहाँ से एक्स मैं लिख सकता हूँ, ए इंटू अल्फा हो जाएगा, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में क्या हो गया, जहाँ पे अब हम एक्स लिखते थे वहाँ पे एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, ए अल्फा, राइट, जहाँ अल्फा की वैल्यू डेफिनेटली जीरो से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा, जीरो से वन के बीच में आएगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, हम ऑलरेडी माइनस एक्स करके कर रहे थे, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान से देखो। पहला तो ऑब्वियस सी बात है, इजी इन सॉल्विंग, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा हमें इजी हो जाएगा। सेकंड थिंग कि इसमें हमें इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है, इनिशियल वैल्यू अभी मैं दिखाऊंगा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इनिशियल मोल आपने कितना लिया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ये आप कंसेप्ट कहाँ पे लगाएंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे रिएक्टेंट एक हो बट प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें केपी लिखना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे केपी आपका फंक्शन ऑफ अल्फा हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड टोटल प्रेशर हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम केपी में लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन लिया है, यही दो रिएक्शन 99% पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना, यही दो रिएक्शन पूछे जाते हैं, अदर कोई रिएक्शन हो तो भी कर सकते हैं, कैसे करना वैसे ही सेम। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ए गिव्स यू बी प्लस सी, राइट, जैसे पी सी एल फाइव गिव्स यू पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, ऐसे भी लिख सकता, मैंने इन जनरल ले लिया। मान लिया ए का ए मोल्स है, बी का जीरो और सी का जीरो है, तो अभी सिर्फ ए प्रेजेंट है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगी, तो हमने माना इक्विलिब्रियम पे इसका एक्स मोल रिएक्ट हो रहा है, तो ए माइनस एक्स और एक्स एक्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्री सबका क्या है, वन है, राइट। अब यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ए अल्फा, तो ए माइनस ए अल्फा हो जाएगा, राइट। टोटल मोल्स इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल मोल्स, तो अल्फा अल्फा एक कैंसिल हो जाएंगे, ए अल्फा और सिर्फ ए प्लस ए अल्फा बचेगा, जिसमें ए कॉमन लूंगा तो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज केपी, तो हमने आपको बताया था केपी आप कैसे लिखेंगे मोल्स के टर्म में, तो देख लो प्रोडक्ट कौन है, ए अल्फा, तो ये रखा पावर 1-1 क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1-1 है, और रिएक्टेंट का ए माइनस ए अल्फा, जिसको ए इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ये मोल्स के टर्म में हो गए, और पी बाई टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना, ध्यान से देखो 1, कैसे 2 माइनस 1 1 हो गया, तो इसलिए P पे पावर 1 और इन सब पे भी पावर क्या, 1, P बाय ये P टोटल प्रेशर है, डेल्टा एन जी चूंकि तो 1 ही हो गया इसलिए P की पावर 1 हो गया, और टोटल मोल्स निकाल चुके हैं A इंटू 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ से ध्यान से देखो A से ये कैंसिल हो जाएंगे, यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि इनिशियल वैल्यू पे ये डिपेंड ही नहीं करेगा, वो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो सिर्फ क्या बच गया आपका, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा के पी इज इक्वल टू, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ये याद ही रख लो कि ए गिव्स यू बी प्लस सी के केस में अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको फर्दर आगे कैसे पूछा जा सकता है कि अगर अल्फा 1 से वेरी वेरी लेस है तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा, तो के पी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर पी, तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, के पी बाई पी की पावर हाफ या रूट अंडर हम लगा सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वन टाइप हुआ। दूसरा, ए गिव्स यू टू बी, डेट मीन्स स्टोइकोमेट्री इधर 1 है इधर 2, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। अगेन इसका ए मोल्स लिया 0, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगे, ए माइनस एक्स, तो इसका 2x,
एक्स की जगह ए अल्फा तो टू अल्फा, डेट मीन्स इसका डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन हमने अल्फा मान रखा है, राइट। टोटल मोल्स अगेन सबको ऐड कर देंगे तो ए इंटू वन प्लस अल्फा ही आ जाएगा इस केस में। के पी मोल्स के टर्म में लिख दो, टू ए अल्फा, पावर टू करना नहीं भूलेंगे राइट, स्टोइकोमेट्रिक पावर में, और नीचे में ए इंटू वन माइनस अल्फा, टोटल प्रेशर हो गया, और टोटल मोल्स अगेन ए इंटू वन प्लस अल्फा, डेल्टा एन जी इसका भी ध्यान से देखो तो वन ही है राइट, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर अल्फा स्क्वायर पी अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो टू था आगे तो वो टू का स्क्वायर फोर आ गया, बाकी चीज़ें सेम है, ध्यान से देखो बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये फोर एक्स्ट्रा आ गया है, और इसलिए क्योंकि टू है, यहाँ पे वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, इसलिए नहीं आया राइट। और अगेन भाई अल्फा अगर वेरी वेरी लेस देन वन हो तो ये तो वन हो जाएंगे, तो के पी फोर अल्फा स्क्वायर पी हो जाएगा, इसलिए अल्फा क्या हो जाएगा, के पी बाई फोर, ये फोर चलते रहेंगे, पावर हाफ। तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपको कि इस टाइप से करना है, 99% क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से फंसेंगे, अदर कोई भी हो तो आपको ऐसे ही करके चलना है। फ़ायदा क्या हुआ, के पी फंक्शन ऑफ क्या है, ध्यान से देखो, अल्फा एंड टोटल प्रेशर, डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन और टोटल प्रेशर मालूम है तो हमें के पी मालूम है। अब इसमें तीन वेरिएबल है, कोई दो दे करके तीसरा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर वन में ए गिव्स यू बी प्लस सी बाई टू, अल्फा और के का रिलेशन बताना था, ऑप्शन गिवेन है, तो आपको बता रखा हूँ कि इस रिएक्शन का अगर मैं के लिखूँ अल्फा के टर्म में तो मोल्स का कुछ टर्म आएगा और पी बाई एन टी टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी आएगा। मैं डायरेक्ट पी को क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि पी का पावर सब में क्या है, डिफरेंट है, इसलिए एग्जाम में आपके माइंड को प्रेजेंट रखना पड़ेगा बेटा, पहले तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो यू नो डेल्टा एन जी अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा एन जी इसका आ जाएगा हाफ, डैट मीन्स एक बात क्लियर है, पी पे पावर आएगा कितना, हाफ। तो ऐसा एक ही ऑप्शन ऑप्शन है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, तो ऐसे आपको थिंक करना है राइट। दूसरा ये कि सर सॉल्व करके बताओ, तो वेरी सिंपल है, ए गिव्स यू बी प्लस हाफ सी है राइट, इसका ए होगा तो जीरो जीरो, ये ए माइनस ए अल्फा तो ये हो जाएगा ए अल्फा, और ये ए अल्फा बाई टू राइट। तो यहाँ से टोटल मोड्स आपको कितना आ जाएगा, ए अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो ए इंटू वन प्लस अल्फा बाई टू हो जाएंगे। और भाई के पी आप कैसे लिखेंगे आपको मालूम ही है, मोल्स के टर्म में, बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पे ए अल्फा बाई टू का पावर हाफ करना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे ए अल्फा की पावर वन हो जाएगा, नीचे में ए इंटू वन माइनस अल्फा हो जाएंगे, और पी बाई एन टी वही प्रेशर, और टोटल मोल्स आप निकाल चुके हो, ए इंटू वन प्लस अल्फा बाई टू, और इन सब पे पावर डेल्टा एन जी हाफ, तो यहाँ से करोगे तो यही आ जाएगा। तो देखो इतने कैलकुलेशन से कैसे आपको बचा है, ऐसे थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर टू में अगेन ध्यान से देखो, N2O4 gives you 2NO2, that means A gives you 2B type है ये राइट। KP given था, परसेंटेज अल्फा पूछा है, 0.5 ATM प्रेशर है टोटल, तो आपको बता रखा हूँ इसका डायरेक्ट KP आप ध्यान रखो, 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, के पी आपको गिवन है 2, ये हो गया 4, अल्फा स्क्वायर पी आपका 1/2 हो जाएगा राइट, क्योंकि 0.5 ATM है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे सब राइट, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया, 1/√2 राइट। 1/√2 कितना हो गया, ये ध्यान से देखो 1/1.4 राइट। अगर मैं इसको 1.5 भी लेता तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एनी हाउ ये कितना हो गया, 10/14, परसेंटेज की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 100 राइट, तो 14/7=98 मतलब 70% के आसपास, ऐसा एक ही ऑप्शन है। ऑलवेज आपको ऑप्शन से जाना बेटा, कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि आपको ऑप्शन इस तरीके से गिवन होंगे कि आप अप्रॉक्स करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री में फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट A2B3 ऑफ कंसंट्रेशन गिवन था C, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अल्फा में क्या रिलेशन होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, A2B3 कैसे ब्रेक होगा 2A और 3B में राइट, इसका कंसंट्रेशन C है तो ये 0-0 जाएंगे, C में से ये C अल्फा गया तो ये 2C अल्फा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 2 है, ये 3C अल्फा, तो K इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखेंगे, 2C अल्फा का पावर 2, क्योंकि स्टोइकोमेट्री पावर में जाएगा, फिर 3C अल्फा का पावर 3, नीचे में C इंटू 1 माइनस अल्फा, चूँकि जो अल्फा होगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, इसीलिए 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्स 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ध्यान से देखो,
2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, c की पावर 5, अल्फा की पावर 5 बाय c, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, अल्फ़ा जो हो जाएगा ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो k बाई राइट ये 108 c की पावर 4 और इसकी पावर 1/5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप ध्यान से देखो तो सम में कॉफिशेंट जो है वो अलग अलग है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे थिंक करने था। और चूंकि ये 2 और 3 में है, तो ये 3 का पावर 3 तो 27, 2 का पावर 2 तो 4, 27 इंटू 4 कितना हो गया 108, ऐसा एक ही ऑप्शन में था, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में x गिव यू y प्लस जेड, के पी उसका गिवन है, a गिव्स यू 2b, उसका भी के पी गिवन है, दोनों रिएक्शन का अल्फा सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, तो प्रेशर का रेशियो बताना है। तो आपको बता रखा हूँ ऐसे रिएक्शन का के पी डायरेक्ट क्या था, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर राइट। और इस रिएक्शन का आपका के पी क्या था, इसको 1 बोला उसने, इसको 2, तो 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लो, तो के पी 1 बाई के पी 2 इज इक्वल टू। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा पार्ट तो कैंसल आउट ही हो जाएंगे राइट, क्योंकि अल्फ़ा सेम है, और ये प्रेशर P1 कर दो, इसको P2 कर दो, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा P1 बाई 4 P2 राइट। और ये गिवन आपको KP1 जो है वो 3 है बाय 1 इज इक्वल टू P1 बाय 4 P2, इसलिए P1 बाय P2 ये 4 मल्टीप्लाई जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12:1, तो ये रेशियो आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए सॉलिड गिव्स यू बी गैस सी गैस के पी 1 एक्स है, डी सॉलिड गिव्स यू सी गैस ई गैस के पी 2 वाई है, तो टोटल प्रेशर आपको बताना है जब दोनों सॉलिड एक साथ डिसोसिएट होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे ये सॉलिड से गैस मिल रहा है, तो आप वो वाला मत लगा देना कि सर के पी 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी अपन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये अभी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है तो राइट। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, ए सॉलिड से आपको क्या मिल रहा है, बी गैस और सी गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी 1 है, तो अगर मैं इसका तो कुछ प्रेशर नहीं लेंगे, सॉलिड का आपको बता रखा हूँ, इसका प्रेशर अगर पी 1 है तो 1:1 रेशियो इक्विलिब्रियम पे इसका भी प्रेशर पी 1 होगा। दूसरा रिएक्शन लिख लो आप, डी सॉलिड्स गिव्स यू सी गैस अगेन और ई गैस अगेन, इसका के पी आपको गिवन है, डेट इज़ के पी 2, हियर इज एक्स और हियर इज वाई, ध्यान से देखो तो ये अगेन सॉलिड है, इक्विलिब्रियम पे अगर इसका प्रेशर P2 लेता हूँ तो इसका भी P2 होगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1:1 है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे C जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे P1 प्रेशर और यहाँ पे P2, तो इसलिए C का ओवरऑल कितना हो जाएगा P2 प्लस P1, इधर P1 प्लस P2, बस ये ध्यान देना है C का, क्योंकि दोनों एक ही साथ हो रही हैं तो दोनों का प्रेशर सेम होगा, तो ऐड हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना था। तो यहाँ से के पी 1 में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसका प्रेशर P1 इंटू P1 प्लस P2, यहाँ से के पी 2 में क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है ये, तो अगेन P2 P1 प्लस P2 राइट। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ध्यान से देखो के पी 1 प्लस के पी 2 राइट, तो इसमें ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 का स्क्वायर राइट, दो बार इंटू में आ जाएंगे, और ये आपको गिवन है डेट इज x प्लस y इज इक्वल टू P1 प्लस P2 का स्क्वायर, इसीलिए P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, रूट अंडर ऑफ x प्लस y। नाउ हमसे टोटल प्रेशर पूछा गया, टोटल प्रेशर क्या क्या होगा, P टोटल क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C प्लस प्रेशर ऑफ E, प्रेशर ऑफ B आप ध्यान से देखो तो कितना है P1, प्रेशर ऑफ सी पी वन प्लस पी टू है, और प्रेशर ऑफ ई अगेन पी टू है, तो ध्यान से देखो तो ये टू टाइम्स ऑफ पी वन प्लस पी टू है राइट। और पी वन पी टू की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस वाई, डेट इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, मान लो इस टाइप से कोई रिएक्शन गिवन हो जहाँ पे स्टोइकोमेट्री कुछ आ रहा हो ऑलरेडी रिएक्टेंट में, तो ऐसे केस में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ना उसके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। अगर किसी ने a माइनस टू ए अल्फ़ा लिखा तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री ये 2 लिया राइट, तो यहाँ क्या बन जाएगा a अल्फ़ा, यहाँ a अल्फ़ा राइट, और यहाँ मैं 2a अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर मैं DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूँ तो रिएक्ट कितना हुआ आपका, ध्यान से देखें 2a अल्फ़ा, और लिया था कितना आपने इनिशियल ए, तो यहाँ पे एक्चुअली में DOD आपने कितना लिया है 2 अल्फ़ा, ये ध्यान रखना अल्फ़ा नहीं लिया। अगर किसी ने ऐसे लिखा
ए अल्फा, तो देखो 2 से इसका 1 मिल रहा है, राइट, हाफ हो रहा है, तो ए अल्फा, तो यहाँ पे ए अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा। ये गलती करते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना, ये लिखना पड़ेगा। इसका भी ए अल्फा बाई 2, इसके 2 से 2, तो ए अल्फा से ए अल्फा। तो अब यहाँ पे अगर डी ओ डी की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे रिएक्ट मेरा कितना हुआ, ए अल्फा इनिशियल ए, तो यहाँ पे डी ओ डी अल्फा है। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको करने आना चाहिए। स्टॉइकोमेट्री का खास ध्यान रखना है। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, अब आप इस पर बेस्ड किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। थैंक यू।